नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम शहीदी चौक में हैं, कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल बाहर, जहां पर अब फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम होगा आज के इस खुशी के दिन के उपलक्ष्य में। वकार रसूल, तरनजीत सिंह टोनी, रमन भल्ला जी, योगेश सानी जी भी अब फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम होगा। यहाँ पर राष्ट्रगान होगा। ये आप इस समय के दृश्य हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जगह दे दी थोड़ी जी, प्लीज थोड़ी जी जगह, बीच का रास्ता खाली कर दो, थोड़ा सा जगह छोड़ दो। और इस समय अभी कुछ ही देर में चले जाओ आप आगे। आपका लंबू बादल होगा, उसके उपरांत दो घूमिनारों के साथ आज का ध्वजवंदन कार्यक्रम। अब वकार रसूल जी हैं, वो अब फ्लैग होस्टिंग, जो कि ध्वज हमारा राष्ट्रीय से फहराया जाएगा और राष्ट्रगान यहाँ पर गाया जाएगा। इस समय कांग्रेस ऑफिस जो है शहीदी चौक में, उसके बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देखिए नेतागण यहाँ मौजूद हैं। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलय शीतला सश्यामलाम मातरम, वंदे वकार रसूल जी, जो अभी हमारा जो ध्वज है राष्ट्रीय, उसे फहराया जाएगा तिरंगा, और अल्टीमेटली जैसे ध्वज गीत शुरू करें। क्या बात है, झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सर। क्या बात है, क्या बात है, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान नाइस की जाने पार, चाहे जान मरे ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब हो वे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक दयालु भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, कुशल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जयकार।
मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष सरकार सुल्वानी जी से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि अपने कांग्रेस परिवार को संबोधित करें। सरकार सुल्वानी साहब, सभी देशवासियों को आज के बड़े दिन पे मुबारकबाद पेश करता हूं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दोस्तों आपको पता है कि आज के दिन अंग्रेजों से इस मुल्क को आज़ादी मिली, जिन अंग्रेजों ने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को गुलाम बनाया और एक बहुत बड़ी जदोजहद के बाद हमारे मुल्क के सारे लोगों ने जात पात ऊंच नीच का सवाल साइड पे रख के सब ने इस जंगे आजादी में हिस्सा लिया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज देश को 77वीं आजादी मुबारकबाद पेश करते हैं और इन सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने राज किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। राज ही नहीं बल्कि 40 साल की जदोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया। चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो और जितने भी साथी उनके थे, जो जेल गए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने अंग्रेजों से मार खाई, जो अपाहिज हुए, लेकिन इस मुल्क को आजाद कराया। आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री पावर है। ये सारा श्रेय जो है उन वीर शहीदों को जाता है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। आज भी हमारे फौजी जवान खासकर जम्मू कश्मीर में शहादतें पेश कर रहे हैं। आपने देखा 3 साल में किस तरीके से इस जम्मू सूबे में मिलिटेंसी ने का जो ग्राफ अप हुआ और किस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए। कल भी हमारे कैप्टन ने जामे शहादत नोश किया और इस मुल्क के लिए शहादतें दी। उन सभी शहीदों को आज हम सलाम पेश करते हैं इस 15 अगस्त के दिन, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को 35 साल बचाया अपनी जाने निशावर की और इसको हिंदुस्तान का मजबूत अंग बनाया। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे नहीं कहनी चाहे। हमारी रियासत को रियासत से यूटी बनाया गया, इस चीज का हमें बहुत अफसोस है और हम आज इस मंच से जो इस वक्त की बीजेपी सरकार है उनको कहना चाहते हैं कि रियासत का दर्जा जो हमारी हिस्टोरिकल रियासत थी वो जल्द अज जल्द बहाल किया जाए और जो हमारे ड्रग्स में बच्चे इस वक्त हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्रग्स का बहुत ज्यादा जो है बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं। परसों भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाल में एक छोटा नौजवान बच्चा ड्रग्स की वजह से मर गया, उससे लोगों को छुटकारा दिया जाना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी इस हद तक है कि लोग ड्रग्स करने पे मजबूर हो जाते हैं, गलत रास्तों पे चलने पे मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी सरकार से आज 15 अगस्त के दिन पे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पे जितनी भी पोस्टें सरकारी खाली हैं
उनको फिलअप किया जाए। और जितने हमारे डेली वेजर सड़कों पे दरबदर हैं, जो पिछले 20 साल से धक्के खा रहे हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, रेबर खेल है, एनआरएचएम और मनरेगा के मुलाजिम है, उनको इमीडिएटली परमानेंट किया जाए। यहाँ की रेत बाजरी पे जो बाहर के लोगों का जो कब्जा हो चुका है, वो कब्जा छुड़वाया जाए। ये रियासत हमारी है, इस रियासत को बनाने में हमारे लोगों ने शहादतें दी, इसको खून से सींचा, लेकिन इसको बर्बाद होने से बचाए खुदारा। यही मैसेज मैं आज 15 अगस्त के दिन देना चाहता हूँ। ज्यादा ना बोलते हुए आज आपको दोबारा इस योम आजादी के दिन पे सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को, जम्मू के वासियों को, कश्मीर के वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री कहते हैं हालात सामान्य है, शांति है, और लगातार आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे वीर योद्धा देखिए ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। पिछले 3 साल से 50 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए जम्मू प्रोविंस ने। जिस जम्मू प्रोविंस को 2014 से पहले यूपीए सरकार में मिलिटेंसी से मुक्ति मिली थी, उसी जम्मू प्रोविंस में आज हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तभी मैंने अपने भाषण में कोई सियासी भाषण नहीं दिया, लेकिन इस भाषण में एक मैसेज दिया गवर्नमेंट को कि वो कुछ करे। हमारे जवानों की शहादतें जो हैं वो ना हो जाए, और ये जो मिलिटेंसी है ख़त्म हो जाए, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ ड्रग्स फ्री हो, यहाँ का रियासत का दर्जा वापस मिले। इसी मैसेज के साथ में आज सबको, क्योंकि इस पे बात दोबारा करेंगे, सबको मुबारकबाद देता हूँ 15 अगस्त की। शुक्रिया। इस समय आप देख रहे हैं वकार रसूल जी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा जम्मू जो जम्मू कश्मीर है वो ड्रग फ्री होना चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए युवाओं को, ताकि वो नशे की ओर ना जाएं। और उसी के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर का ये रियासत का दर्जा वापस, यानी राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। साफ तौर पर वकार रसूल ने आज देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार से निवेदन किया है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे आज के दिन, यानी कि चलिए भानु जी भी हैं, भानु जी से भी जानते हैं, बड़ी बोल्ड वॉइस है ये कांग्रेस पार्टी की महिला, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज गुलामी की जंजीरों से हुआ देश आज़ाद और मनाई सबने स्वतंत्रता दिवस की आवाज़। जी धन्यवाद। दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से आप समस्त देशवासियों को, खास करके जम्मू कश्मीर की जनता को इस 70वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आने वाला स्वतंत्र दिवस खुशियों भरा हो, और आने वाला यानी एक साल के अंदर अंदर जो वकार रसूल जी ने कहा है कि रोजगार होना चाहिए, ड्रग फ्री होना चाहिए हमारा देश जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर हमें वापस, हमें अपनी वही स्टेट चाहिए जम्मू कश्मीर जो हमारा गौरव थी। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।